वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, आप बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कार से रिलेटेड इश्यूज को लेके आए हैं, जो कुछ आप फ्रेंड्स ने हमारे पूछा था कि इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, जो हमारे इस वाइपर से रिलेवेंट है। अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए हम समस्या को देखते हैं और समझते हैं। हमारे फ्रेंड्स ने हमसे पूछा था कि यहाँ पे ये जो वाइपर होता है उसको हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं और किस तरह की और इश्यूज आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग वाइपर में अगर आपने अलग अलग वीडियो देखे हों तो उन्होंने कुछ पाउडर लगा दिया है, बहुत सारी चीज़ें ऑयल टाइप की या क्रीम लगा देते हैं। फ्रेंड्स वो ओरिजिनली क्या होता है कि ये जो मिरर पे जब पानी पड़ता है तो ना ही आपका पाउडर काम आएगा, ना ही आपका किसी तरह की ऑयल या क्रीम काम आएगी। तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हम इसमें कोई चीज़ लगाने का यूज़ नहीं बैठता है। रीज़न क्या होता है इसमें, हम बेटर सबसे अच्छा क्या है, नॉर्मल छोड़ें, और ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास ये जो वाइपर हो अगर ख़राब हो गया है तो हम नया डाल लें, एक्सचेंज कर लें, क्योंकि ये कट गया होगा। अगर कटा नहीं है तो नॉर्मली चलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं पड़ा है या आप रफ चला रहे हो और खर खर की आवाज़ें कर रही हैं तो फिर ये काम ना करें। मिरर गंदा हो तो एक कपड़ा मार के साफ़ कर लें, उसके बाद यूज़ करें। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एक वाइपर परचेस कर लिया होगा, उसको हमें एक्सचेंज करना है। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा करीब लाएंगे कैमरा, आपको दिखाएंगे। ये जो वाइपर हमारा लगा होता है यहाँ पे हुक में होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाइपर का जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हल्का सा डाउन साइड में ड्रैग करना है। ये अपने आप फंसा होता है और ये देखिए फ्रेंड्स निकल आता है, इस तरह से आपका बाहर आ जाएगा। जो भी आप नया वाला वाइपर लाए होंगे उसको इसी तरह से जैसे मैंने निकाला है वापस अटैच करेंगे। तो ये वाला वाइपर, ये वाला ब्लॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक है, ध्यान से देखिए। इस वाले ब्लॉक से हमने इसको नीचे से निकाल लिया और इस वाले खांचे में जो साथ बना हुआ है इस, ये वाला इसका पार्ट, इसमें इसको हम बिठा लेंगे धीरे से। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, उसको आपको सिर्फ देख के बिठा लेना होता है। ये आ गया, अभी भी अगर हम ध्यान से देखें ये पूरा नहीं आएगा, तो हल्का सा एक प्रेशर, ये देखिए अब फाइनली ये आ गया और ये हमारा वाइपर अटैच हो गया है। नॉर्मली ये निकलेगा नहीं और जितना चाहे इसको आप यूज़ करोगे तो कोई इश्यूज नहीं आने वाला। सेम इसी तरह से जैसे हमारे पास गाड़ी होती, मैं एक आधा और वीडियो दिखा दूंगा कि अलग अलग पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं जो होता है यहाँ पे एक क्लिप पे कुछ में बना होता है, तो उसका भी मैं वीडियो दिखा दूंगा। आइए इसी तरह से, ये i10 की हम बात कर रहे थे, इसी तरह से एक और गाड़ी है अमेज़ का भी वाइपर मैं आपको दिखाता हूँ, सेम पैटर्न पे ऐसे ही है। करीब से ला के दिखाते हैं, यहाँ पे ये वाइपर है, इसको भी कुछ नहीं करना है, ड्रैग करके नीचे खींचना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सिर्फ ड्रैग करके नीचे खींचा है और हमारा वाइपर अलग हो गया है। फिर से हम वापस इसमें लगाएंगे, इस वाले जो खांचा बना हुआ था इसमें हम इस वाले को फंसाएंगे। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले का पार्ट में ये जो एक क्लिप बना हुआ है इसमें हमें अटकाना होता है। तो हम फिर से इस फाल यहाँ पे जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें हम इसको इंसर्ट कर देंगे, डाल रख देंगे, फिर इसमें अटैच करेंगे। अब आप ये देखिए ये वाला पार्ट इसमें जा रहा है और सही से जैसे ही बैठेगा ये अपने आप चला गया। अब हम देखें यहाँ पे अटक गया, ये वाइपर अटका, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं गया है। यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्लॉक है, जो ये ब्लॉक खाली है, इसको और कस के पुश करेंगे, जैसे ही हम पुश करेंगे ऊपर चला जाएगा और ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद नॉर्मली हमारे वाइपर अटैच हो जाते हैं और इसका हम यूज़ कर लेते हैं। समटाइम्स ये वाइपर का आपको और भी करीब से दिखाते हैं, इतना हो गया है, यहाँ से ये निकल जाता है, ये देखिए। अगर ये निकल जाएगा तब भी इश्यूज करेगा, ये बाहर निकल गया, तो हमें कुछ नहीं करना, हल्का सा इसको क्लिप को मोड़ना है और ऐसे करके इसको अटैच कर देना है। तो ये आपने देखा होगा यहाँ पे भी हम अटैच कर देंगे। तो कोई भी आपका वाइपर हो, नॉर्मली आप ज़्यादातर अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनमें यूज़ नहीं होती, कुछ भी हुआ होगा तो यहाँ पे एक क्लिप होगी या फिर हल्का सा रोटेट करने का तरीका होगा, इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इतने ही से काम के लिए अगर हम वर्कशॉप जाते हैं इसके लिए तो थोड़ा अच्छा खासा चार्ज कर लेते, क्योंकि फोर व्हीलर का मैटर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching.